हमारे उभरते युवा विद्वान आदरणीय गौतम खट्टर जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, वो भी अपनी बात 5 से 7 मिनट में हमारे समक्ष रखेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम पन्नासुवा। मंच पर उपस्थित श्रद्धे आचार्य मुनि सत्यजीत जी आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं आचार्य अंकुर जी, आचार्य प्रशांत जी, मीनाक्षी जी, आचार्य कुलदीप जी एवं अंकित जी और सभी हमारे आर्य जगत के विद्वान भद्र पुरुष, सामने बैठे नौजवान आर्यों आर्याओं और साथ ही विशेष रूप से इस आर्य समाज के प्रधान, इस आर्य समाज में नए कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे आर्य समाज के प्रधान श्री राजकुमार आर्य जी, एक बार आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, उनके लिए विशेष रूप से आप ताली बजाएं। आज हम सब विभिन्न विषयों पर बात कर रहे हैं और देश भर में आर्य समाजों में, आर्य समाज से जुड़ी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संस्थाओं में एक विषय प्रधान रूप से चल रहा है कि ये वर्ष ऋषि दयानंद के द्वितीय जन्म शताब्दी का वर्ष है। ये वर्ष ना तो आपके जीवन में पुनः लौट करके आएगा, ना मंच पर बैठे किसी व्यक्ति के जीवन में लौट करके आएगा। ये एक अवसर के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। हम में से किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऋषि दयानंद का 300वां जन्मोत्सव लौट के आने वाला नहीं है, इसीलिए ये हमारे लिए एक सौभाग्य है कि हम जितने भी नौजवान हैं, जितने भी वयोवृद्ध जन हैं, वे सब अपने सामने, अपनी नजरों के सामने ऋषि दयानंद के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने एक पौधा रोपित किया था, उसमें जितना भी जल दे पाए, जितनी भी खाद दे पाए विचारों की, वो दे दें। क्योंकि अगर दयानंद नहीं होते, अगर दयानंद नहीं होते तो वेद के भेद कहां खुलते और पुराणन की प्रति थोती ना होती, खुलती ना गप्पों की पोल धड़ाधड़ और खोटे खरे की कसौटी ना होती, ना हिंदू ना हिंदी ना हिंद रहे था, तन पर फटी ये लंगोटी ना होती और राम और कृष्ण के वंशजों पर गौ बोटी तो होती पर चोटी ना होती। ऋषि दयानंद ने राम जी की वास्तविक परंपरा क्या है, भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप क्या है, वीर हनुमान का असली चरित्र क्या है, मां दुर्गा का, भारत माता का वास्तविक जीवन क्या है, ये हम सबको दिया, ये हम सबको बताया। अन्य किसी भी स्थानों पर हम जाएं तो वैसे विचार, वो तर्क शक्ति और वो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, वो सनातन को देखने की वैज्ञानिक दृष्टि जो ऋषि दयानंद ने दी, आज हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि उस परिपाटी को हम आगे बढ़ाएं। अभी पिछले दिनों श्रद्धे मुनि जी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया 140वें बलिदान दिवस पर अजमेर की धरती पर, जहां ऋषि दयानंद के अंतिम राजस्थान की धरती पर समय गुजरा अजमेर में। वहां एक विशेष चीज हम सबको आकर्षित करती है और आज क्योंकि तकनीक से जुड़े हुए सभी नौजवान यहां आर्य समाज के मंच पर विद्यमान है, जो आर्य समाज का, ऋषि दयानंद का, सत्यार्थ प्रकाश का, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का, संस्कार विधि का जितना भी प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं वो करते हैं, लेकिन हम सबको एक प्रेरणा होनी चाहिए आज के इस युग में ऋषि दयानंद की, वो प्रेरणा जो ऋषि उद्यान में आज भी संजो करके रखी गई है। आप सोच करके देखिए, ऋषि दयानंद के 3 माध्यम थे प्रचार के, एक माध्यम था प्रवचन, दूसरा माध्यम था लेखन और तीसरा माध्यम था शास्त्रार्थ। उस काल में 1875 के समय में जब तकनीक का दूर दूर तक इस देश में कोई नामो निशान नहीं था,
उस समय ऋषि दयानंद ने धर्म के प्रचार के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए, समाज के पुनर्जागरण के लिए लंदन से मंगवा करके मशीन छपाई के लिए साहित्य का प्रचार किया। अगर आज ऋषि दयानंद होते, क्योंकि उस दिन मुनि जी ने कहा था उस समय कि ऋषि दयानंद यदि आज होते तो आर्य समाज तकनीकी रूप से इस संसार में सबसे विकसित संस्था होती। ये वो मशीन जो रखी हुई है वो इस बात का प्रमाण है। उस समय जब किसी के पास कुछ नहीं था तब ऋषि दयानंद ने उस परंपरा को, उस परिपाटी को आगे बढ़ाया। तो हमारा तो केवल इतना कार्य, हमें नया कुछ नहीं करना, नया कुछ नहीं लिखना, नया कुछ प्रचार नहीं करना। जो महर्षि दयानंद ने लिख दिया, जो महर्षि दयानंद कह गए, जो महर्षि दयानंद ने अपनी परंपरा को आगे बढ़ा दिया, जो महर्षि दयानंद ने अपने उन स्तंभ लौह पुरुषों को तैयार कर दिया, आज बस केवल हम उन लौह पुरुषों की उस वाणी को, उनके कार्यों को नौजवानों तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें, हमारा कार्य सफल हो जाएगा। हमें नया कुछ भी नहीं करना। ऋषि दयानंद के प्रताप से भगत सिंह पैदा हो गए, लाला लाजपत राय पैदा हो गए, महात्मा हंसराज पैदा हो गए, गुरुदत्त विद्यार्थी पैदा हुए, पंडित लेखराम पैदा हुए। और सोच करके देखिए इन लोगों ने कितना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेखराम के सीने में चाकू उतार दिया गया, श्रद्धानंद के सीने में गोली उतार दी गई, महाशय राजपाल के सीने में चाकू दाग दिया गया और भगत सिंह आदि के गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया। हमें केवल और केवल इन महापुरुषों के, इन क्रांतिकारियों के जीवन को याद करके अपने नौजवानों के बीच पहुंचाना है, क्योंकि जरा सी कामयाबी मिल गई तो भूल जाएंगे। क्योंकि प्रधान जी का ये आर्य समाज एकमात्र मेरे को ऐसा आर्य समाज दिखा जहां बच्चों का आवागमन प्रतिदिन होता है, नहीं तो अन्य स्थानों पर बच्चों की तो गेट पर ही एंट्री नहीं है। तो जरा सी कामयाबी मिल गई तो भूल जाएंगे, वो दौलत और शोहरत के झूले में झूल जाएंगे। अगर बेटों को आजादी के किस्से ना सुनाए तो हनी सिंह याद रख लेंगे, भगत सिंह भूल जाएंगे। इसीलिए आर्य समाज केवल एकमात्र ऐसी संस्था है जो देशभक्ति के बारे में भी बताती है, जो राष्ट्रवाद के बारे में बताती है, पराक्रमशीलता के बारे में बताती है, अध्यात्मवाद के बारे में बताती है, वैज्ञानिकता के बारे में बताती है, पारदर्शिता के बारे में बताती है, सत्यवादिता के बारे में बताती है। ये पूरा का पूरा जो संगम है वो केवल और केवल एक संस्था है, एक संगठन है, आर्य समाज। इसीलिए मैं नौजवानों से अक्सर कहता हूं कि जानो, क्या तुम जानते हो एक युग तक झेलकर संताप को रक्त अपना क्रांतिकारी दे गए हैं आपको। अरे चाहते यदि वो कि अपनी जिंदगी सुख में जिए, होटलों में मौज काटे, शाम को मदिरा पिए, तो वो दुश्मन से मिलाकर हाथ जीते शान से, जिंदगी राजाओं सी होती न जाते जन से, किंतु वो लड़ते रहे बस आपके मेरे लिए। वो लोग पागल थे जिन्होंने मौत से फेरे लिए और बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत मना। कष्ट जो उनको मिले, अरे कष्ट जो हमको मिले उनको मिले थे 100 गुना। चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश को, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास को। अरे कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, अरे कोई हो जो यूं कहे मैं आज का बलिदान हूं। भीड़ से निकले ओ बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं, भीड़ से निकले ओ बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं। मेरा समय समाप्त हो गया, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और आप सबसे कहूंगा हमें बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल अपने बच्चों को यदि हम संस्कारित कर दें तो एक व्यक्ति निर्माण से एक परिवार का निर्माण हो सकता है, एक परिवार के निर्माण से एक समाज का निर्माण हो सकता है, और एक समाज के निर्माण से एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, और एक राष्ट्र के निर्माण से ऋषि दयानंद के उस वेद वाक्य को हम सार्थक कर सकते हैं जिसमें ऋषि दयानंद ने कहा था इंद्रम वर्धन्तो अप्सरा किण्वन्तो विश्वमार्यम् अपाघ्नन्तो रावणा। केवल हम नारा लगाएं और आर्य राष्ट्र बन जाए ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए एक बार जोरदार जय घोष लगा दीजिए। जितने भी नौजवान, सारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, सारे नौजवान जो यहाँ बैठे हैं उन सबसे कहूंगा एक बार जय घोष लगा दीजिए। और जो लोग यहाँ नहीं भी आए हैं आसपास के और संडे इंजॉय कर रहे हैं उनको पता चल जाए
कि यार ये समाज का कोई उत्सव चल रहा है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनियों की, भारत माता की, भारत माता की, महर्षि दयानंद की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चाणक्य महाराज ने कहा था, नाभि शेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने, विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। कोई शेर को जाकर के हल्दी चंदन और मुकुट नहीं पहनाने जाता कि आज से तुम्हारा राज्य अभिषेक किया जा रहा है, तुम जंगल के राजा हो। तो इसलिए अगर हम अपने क्रियात्मक सकारात्मक क्रियाएं करते रहेंगे तो समाज स्वयं ही चमकेगा और राष्ट्र स्वयं ही चमकेगा, हम स्वयं चमकेंगे। तो अपना अपना सहयोग, अपना अपना योगदान सभी लोग करते रहें।